जिंदगी से और हमारी हर के जिंदगी से मारी आख्या के मासू आ जा जै सुनो हकीकत सारी जै सुनो हकीकत सारी बहुत ही आदर और मान के योग्य चौधरी सुकन सरपंच साहब गांव सिलानी बाबूजी मुझे 100 रुपए से गौ माता की इस रागनी पर अपना आशीर्वाद दे के गए हैं। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। के बताया आदरणीय श्री बीरेंद्र प्रधान जी, आदरणीय श्री बीरेंद्र प्रधान जी, उनकी तरफ से भी मेरी इस रागनी पर 100 रुपए। किशोरपुर से बहुत ही आदरणीय श्री कुमार पाल सरपंच साहब भाई, किशोरपुर के लिए एक बार और ताली बजाओ। 51,000 रुपए गौशाला के लिए लाए हैं और कुमार पाल सरपंच साहब ने 100 रुपए मुझे दिए हैं, बार बार धन्यवाद। आदरणीय पंडित जी जिन्होंने गौ माता का आज हवन करवाया और 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बाबूजी का धन्यवाद। अच्छा, हमारे आदरणीय भाई योगेश जी जो मेरे मित्र हैं, उनके पिताजी हैं श्री वेदपाल जी, उनकी बाबूजी की तरफ से 100 रुपए आइए। और ये 100 रुपए श्री बाबूजी ओमपाल चौधरी साहब, उनकी तरफ से 100 रुपए। और हमारे दादा पंडित तेजपाल जी बारूदा, 200 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है। तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। चरबी भी छाटी जासे, चरबी भी छाटी जासे, लोग चरबी न्यारी हाटी न्यारी, चरबी न्यारी हाटी न्यारी, अयो न्यारी बाटी जासे, इतना गंदा इतना गंदा हाल देख मेरी छाती भी पाटी जासे, छाती भी पाटी जासे, इस हिंद देश में धर्म खत्म हुआ, हिंद देश में खत्म हुआ, हिंद देश का धर्म खत्म, इस हिंद देश का धर्म खत्म, गौ माता फेर पुकारी,
तरचटा से 50 रुपए का पुरस्कार दिया है आदरणीय बाबूजी महेंद्र सिंह जी जो अपनी गौशाला के सचिव हैं, और 100 रुपए का पुरस्कार इस गौ माता की रागनी पर दिया। मौसा जी ने 100 रुपए पहले भी दिए थे, 100 रुपए और देते हैं, धन्यवाद। और 100 रुपए भाई ओम प्रकाश पांचाल जी, पांचाल साउंड सर्विस, उनकी तरफ से भी दिए गए, धन्यवाद। आदरणीय सजनों, हम जिस मिट्टी पर रहते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने जैसे संस्कार दिए हैं उसके अनुसार बताओ कितनी मां मानी गई है। सुन ले रहे लोगों, एक जननी मां जो जन्म देती है, एक गौ मां जो दूध पिला के बड़ा करती है, बलवान बनाती है, और भाइयों बहनों एक यो धरती मां, और एक जिसके लिए वीरों ने प्राणों की आहुति दी, वो भारत मां। आइए भारत माता की कैद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर उधम सिंह, भगत सिंह जैसे नौजवानों ने छुटा दी, लेकिन वीर उधम सिंह और भगत सिंह के रूप में बैठे हुए भारत के लोगों आज गौ की कैद नहीं छुटा पाए। सुनिए कितनी मां बताई और क्या लिखा। कैसे? अरे धरती माता एक गौ माता, धरती माता एक गौ माता, धरती माता एक गौ माता, ये धर्म से माँ कहलाई, भारत माता एक जननी माता, ये माता चार बताई, माता चार बताई, जय बेटे आगे माँ कट जा, जय बेटे आगे माँ कट जा, वत क्यों कर करे समाई, भारत माँ की कैद छुटा ली, भारत माँ की कैद छुटा ली, करके फिर लड़ाई उन्होंने, करके फिर लड़ाई, सुभाष बोस तना फरक कर रे, हे रे रे रे, हे रे रे रे, हे रे रे रे, सुभाष बोस तना फरक कर रे, मत रो कैद बिचारी, अच्छा के बाद आंसू आ जा, सुनो हकीकत सारी, सुनो हकीकत सारी, अरे ला 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 हसनपुर से, जी हां गांव हसनपुर से आदरणीय हरकेश सरपंच साहब की तरफ से मेरी इस रागनी पर मान सम्मान किया गया है 100 रुपए से। एक बार हसनपुर वालों का तालियां बजा के स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हसनपुर की, धन्यवाद करते हैं गांव हसनपुर की सरदारी का, धन्यवाद। हमारे गांव यादवपुर से पंडित श्री सुखी राम जी 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है, और हमारे गोपाल जी हैं यादवपुर से, उन्होंने भी 100 रुपए का पुरस्कार गौ माता की रागनी पर दिया है। तालियां बजा करके स्वागत। मेहरबानों, हम हरियाणा की धरती पे हैं, गौ माता की या गौ भक्ति की बात आती है तो आप सभी विद्वान यहां बैठे हैं। आज भी हर फूल जाट के नाम से हरियाणा सरकार ने सोनीपत पानीपत में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, बहुत बड़ी गौशाला उस क्षेत्र में हर फूल जाट के नाम से चलती हैं। उनके बारे में क्या बखान करूं, आज गौ माता ये कहती है लोगों, एक बार तुम भी हर फूल बनो,
जिससे मेरी कैद छुटे मैं आजाद हो जाऊं। याद किया हर पुल जाट को और गौ माता के बोली लागरी क्यों कर दोर धर गया क्यों कर दोर धर गया। अरे वचन भरे ते रक्षा करूंगा ओ वचन भरे ते रक्षा करूंगा फिर वचन ते क्यों फिर गया के पापी हुई नीत तेरी इन पापिया त डर गया क्यों ये पापिया त डर गया। और मर क्या होता फिर जन्म ले मर क्या होता फिर जन्म ले और मर क्या होता फिर जन्म ले माता रुदन मचारी के माया सुवासा सुनो हकीकत सारी लाने से हैं 100 रुपए का पुरस्कार गौ माता की श्रागनी पर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दादा। अरे एक पीड़ा इस बात की भी है बैरोड के अंदर जौलपुर जिले के अंदर एक जगह पड़ती है एक शहर पड़ता है एक तहसील पड़ती है बैरोड। वहां पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ कुछ पापी गौओं को भर के ट्रक में मुश्किल से 5 गौ आ सकती हैं 50-50 को ठूंस ठूंस के भर देते हैं। जब गौ भक्तों ने उन्हें पकड़ लिया अरे उन्होंने गोली चला दी गऊ भक्तों पे। अच्छा भाई सरदारो एक बात बताना अगर थारे पे कोई पहले गोली चलाओ और फिर अगर तुम भी उस पर वार कर दो तो ये कोई अधर्म है क्या? अपनी जान सर्वोपरि होती है। मैं उन समस्त गौशालाओं से चिरूणी गौशाला हरसोरा गौशाला मुंडनवाड़ा गौशाला दहमी गौशाला नागौरी गौशाला मैं उन तमाम गौशालाओं से जुड़ा हुआ हूँ। उन गऊ भक्तों को जब पता चला तो उन्होंने पकड़ने की कोशिश की उन पर गोली चलाई उन्होंने और फोन कर दिया वो ट्रक पकड़ लिया उसमें एक व्यक्ति घायल हो गया और अंत में वो मर गया। आप जानते हो नहीं जानते तो मैं बता रहा हूं ऐसे ऐसे बुजुर्गों को निर्दोष बुजुर्गों को फंसाया गया था कि सरदारों 302 के केस में 20 साल से कम सजा नहीं है लेकिन फिर भी वहां के लोगों ने एकता दिखाई पूरा अलवर शहर जाम कर दिया गौ भक्तों ने तब जाकर के वो मामला रफे दफे हुआ नहीं तो 302 के मुकदमा 100 लोगों पे बने थे बहुत हाईलाइट हुआ था। आज अगर हम गौओं को बचाने का प्रयत्न करते हैं तो ये सरकार और ये नेता हमारा साथ नहीं देते इसलिए मेहरबानों एक बात और कही के बताया वैसे डूब मर जावे वैदिक धर्म कहाँ रह गया जब लोग गऊ ने खावे जब लोग गऊ ने खावे। अरे जो मेरे बच्चे जो मेरे सच्चे बेटे आके जो मेरे सच्चे बेटे आके मेरी जान बचावे जो पल में प्राण गवावे
जोरदार ताली।